नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म जीनियस और हैप्पी फिर बात जाएगी कि चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं फिल्म जीनियस की। तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन जहां कमाए थे 75 लाख रुपए, वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए थे 90 लाख रुपए। बात करते हैं इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए थे 1 करोड़ 30 लाख रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल वीकेंड कलेक्शन हो चुका था 2 करोड़ 95 लाख रुपए। बात करते हैं इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का आज के दिन का कलेक्शन रहा है मात्र 65 लाख रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। बात करते हैं दूसरी फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी के बारे में, तो सोनाक्षी सिन्हा स्टार इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन कमाए थे 2 करोड़ 70 लाख रुपए, वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए थे 4 करोड़ 5 लाख रुपए। बात करते हैं इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए 5 करोड़ 10 लाख रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका था वीकेंड का 11 करोड़ 78 लाख रुपए। बात करते हैं इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए हैं मात्र 2 करोड़ रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 13 करोड़ 78 लाख रुपए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बात करते हैं सत्यमेव जयते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जहां इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ 20 करोड़ 52 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी, जो कि जॉन अब्राहम की किसी भी फिल्म के लिए हाईएस्ट ओपनिंग थी। वहीं इस फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन रहा 7 करोड़ 92 लाख रुपए, तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 9 करोड़ 18 लाख, चौथे दिन कमाए 9 करोड़ 3 लाख, वहीं पांचवें दिन इस फिल्म ने कमाए 10 करोड़ 55 लाख रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का 9 दिनों का कलेक्शन हो चुका था 65 करोड़ रुपए। बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने जहां अपने 10वें दिन कमाए 1 करोड़ 65 लाख रुपए, वहीं इस फिल्म ने अपने 11वें दिन कमाए 1 करोड़ 95 लाख रुपए। बात करते हैं इस फिल्म के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने 12वें दिन कमाए हैं 2 करोड़ 80 लाख रुपए और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 72 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, जॉन अब्राहम की यह हाईएस्ट सोलो ग्रोसर मूवी है। इससे पहले इनकी फिल्म थी परमाणु, जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।